ब्लॉग नंबर 3। कारेंग घर जो कि गढ़गांव पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहां आने के लिए आपको शिवसागर आना होगा, जो कि आप बाय रेल या बाय रोड भी आ सकते हैं। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। ये मेन रोड से एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपको 800 मीटर स्ट्रेट चलकर जाना होगा, तब सामने आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कारेंग घर दिख रहा होगा। ये प्लेस शिवसागर टाउन से ना 14 किलोमीटर दूर है और शिवसागर से इजीली आपको बस या ऑटो अवेलेबल है, आप शेयर्ड में आ सकते हो। तो यहाँ एंट्री के लिए ना टिकट प्राइसेस हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन। एंड हाँ, यहाँ ना सिर्फ टिकट्स ऑनलाइन ही बुक होता है, आपको ऐसा स्कैनर दिया होगा, आप स्कैनर देख सकते हो। तो आपको बस स्कैन करना है उसको और आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना उसको फिल करना है, आपके जो टिकट्स है वो ऑनलाइन या आपके फ़ोन में जनरेट हो जाएगा एंड देन आप इंटर कर सकते हो। तो एंट्री करते ही ना सबसे पहले आपको ASI की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिखेगा, जहाँ पर आपको बताया गया है कि अहोम राजाओं का ये महल था गढ़गांव में। तो कुछ कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। एंड हाँ, यहाँ पे एक मैप भी दिया है कि एंशियंट टैंक कहाँ पे थे, माउंट किधर था, किधर लो एरिया था, किधर लॉन था। तो एवरीथिंग का एक रफ मैप बनाया हुआ था। एंड देन आपको कारेंग घर दिखेगा कुछ इस तरीके से, जिसको मैं डिटेल्स में आपको शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ एक एक उसका फ्लोर पर जा कर के। तो आप वीडियो को फुल एंड तक देखना। इस पैलेस को ना अहोम किंग रुद्र सिंह के राज में बनाया गया था 1696 टू 1714 के बीच में। फिर उसके बाद ना पुराने पैलेस को रीबिल्ड किया गया था, जो कि 1752 में तैयार हुआ था। तो अंदर के ना कमरे कुछ इस तरीके से हैं, जो कि वुड्स एंड ब्रिक्स से बनाया गया था। ये पूरा पैलेस वुड्स एंड ब्रिक्स से बना हुआ है। इस पैलेस में टोटल 7 फ्लोर हुआ करते थे, जिसमें से 3 फ्लोर सरफेस से नीचे की तरफ थे और 4 फ्लोर ऊपर थे। अभी तो नीचे वाले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट बाकी के 4 फ्लोर बचे हुए हैं। एंड ये टॉप फ्लोर है जहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो चलिए अब महल को अंदर से देखते हैं कि ये कैसा था। तो आप देख सकते हैं कि अहोम डायनेस्टी के टाइम पे किस तरीके के आर्किटेक्ट थे। एक्चुअल में ये अहोम किंगडम के वक्त गढ़गांव कैपिटल की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी। तो अभी मैंने आपको केरांग घर का 3rd फ्लोर दिखाया, अभी हम जा रहे हैं वापस से 2nd फ्लोर। तो 2nd फ्लोर के लिए आपको जो ये रास्ता है ना, मैं सीढ़ियाँ दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से है बनी हुई। तो आइए देखते हैं कि यहाँ का 2nd फ्लोर कैसा था।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हो ना तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।